नमस्कार, ब्यूटीफुल हमेशा हिंदी चैनल में मैं किरण आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको घर पर बैठे बालों को मेहंदी लगाने के कुछ घरेलू टिप्स बताऊंगी। पर अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इस वीडियो में आज मैं आपको घर पर मेहंदी लगाने के लिए कुछ घरेलू टिप्स बताऊंगी। बहुत लोग सोचते हैं कि मेहंदी लगाने से बाल डैमेज हो जाते हैं, पर ऐसा नहीं है। मेहंदी लगाने से हमारे बाल बहुत ही शाइनी, सॉफ्ट और बहुत ही मुलायम और अच्छे हो जाते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि घर पर मेहंदी लगाए पर आपको पता नहीं है कि किस तरह से लगाए, तो आज मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगी जो आपको काफ़ी मददगार साबित होंगे। तो आइए इस वीडियो को देखेंगे। तो सबसे पहला स्टेप है, मेहंदी लगाने से पहले मेहंदी को भिगोकर रखना पड़ता है। इसके लिए आपको क्या करना है मैं बताती हूँ। इसके लिए आपको चाहिए अंडा और ऑलिव ऑयल। अंडे में सिलिकॉन होता है, प्रोटीन होते हैं, सल्फर होता है, जिसकी मदद से हमारे बालों को काफ़ी पोषक मिलता है, प्रोटीन मिलता है। अंडा हमारे बालों को बहुत ही ज़्यादा शाइनी भी करता है। इसके लिए आपको मेहंदी में दो अंडे के सफ़ेद भाग को मिलाकर रखना है और इसे मिक्स कर लेना है। ये तो एक तरीका हो गया मेहंदी को भिगोकर रखने का। मैं आपको और एक तरीका बताती हूँ। अगर आपको अंडा इस्तेमाल नहीं करना है तो आप इस तरीके को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दूसरे तरीके के लिए आपको मेहंदी को चाय पत्ती के पानी में भिगोकर रखना है। चाय पत्ती हमारे बालों के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। इसकी वजह से बालों में बहुत अच्छा शाइन आता है। चाय पत्ती में टैनिन नाम का प्रॉपर्टीज़ पाया जाता है जो हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छा है। इसलिए आपको चाय पत्ती का पानी इस्तेमाल करना है मेहंदी को भिगोने के लिए। इसके साथ आप कुछ बूंदे नींबू के रस को भी मिला सकते हैं। तो ये है दूसरा तरीका मेहंदी भिगोने का। इसके बाद मैं आपको स्टेप टू बताऊंगी। मेहंदी लगाने से पहले आपको हमेशा याद रखना है कि आपको बाल धो लेने हैं और उसके बाद अपने बालों में मेहंदी लगाना है। मेहंदी लगाते समय अपने चेहरे के बहुत सारे हिस्सों पर भी आपको ध्यान देना है, जैसे कि कान, गर्दन और सर। अगर इन सब पर भी मेहंदी लग जाती है तो आपको तुरंत ही पोंछ लेना है, नहीं तो आपकी स्किन भी कलर में बदल जाएगी। मेहंदी लगाने के बाद आप शावर कैप या फिर कोई भी पॉलीथीन को अपने सर पर बांधकर रख सकते हैं, जिसकी मदद से मेहंदी ड्रिप ऑफ नहीं होगी। और इसके बाद मेहंदी को बालों पर 3 से 4 घंटों के लिए रहने दें। अभी मैं आपको तीसरा स्टेप बताती हूँ। अभी अगर आपकी मेहंदी 3-4 घंटों के बाद सूख गई है तो आप अपने बालों को नॉर्मल पानी से धो सकते हैं। आपको शैम्पू का इस्तेमाल नहीं करना है। लगभग 2 दिनों तक आप अपने बालों पर शैम्पू का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो इस तरह से आप घर बैठे ही अपने बालों को मेहंदी कर सकते हैं। और ये थे कुछ आसान से घरेलू टिप्स जो कि मैंने आज आपको बताए। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। मैं आपको मिलूंगी और एक ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।